मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है और सभी को बोलना है, इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करना चाहती हूँ कि पिता तो बुजुर्गो, मैं माताओं बहनों भाइयों, अब मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, लेकिन भारत के संविधान को अब हम लागू कराने के लिए मैंने भी कमर कस लिया है, पूरे भारत में मैं आंदोलन करूंगी। ये कहते हैं हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन मैं कहती हूं यह भारत के संविधान, आज देश की सरकार, अब भारत के संविधान के तहत यह सरकार चलती है, अब भारत के संविधान को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमने भी ऐलान कर दिया है, हमने भी तय कर लिया है, अब मैंने भी जो भी कुछ होगा हम उसके लिए तैयार है, लेकिन संविधान को लागू होना चाहिए। केवल नाटक नहीं चलेगा, नौटंकी नहीं चलेगी, बात नहीं सुनेंगे, हमको संविधान चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर हमारा नहीं है, मंदिर तो बहुजन समाज का गुलामी का घर है, जो लोग को मंदिर चाहिए वो गुलामी में जाएंगे, जिसको संविधान चाहिए वो नीचे से ऊपर हुकुमरान बनने के लिए तैयार हो। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को समर्थन मांगने के लिए आई हूँ, क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग साथ देंगे? आप सब लोग साथ देंगे? भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये हमेशा बाबा साहब के संविधान दिवस, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है और कल ये 25 नवंबर को एक दिन पहले ये संविधान की धज्जियां उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये संविधान को नहीं मानते, ये मनोस्मृति को मानते हैं, ये मनोस्मृति को मानते हैं, मनोस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान के तहत चलो वरना कुर्सी खाली करो, ये जो चाहोगे वही नहीं होगा, संविधान के तहत चलेगा। आपने कल आपने बुला करके संविधान दिवस का आपने धज्जी उड़ा दिया, संविधान का अपमान करने का कोशिश कर रहे हो, आज सरकार संविधान, आज सरकार की तरफ से संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मनाया गया? ये भी साजिश है, ये साजिश है, ये आरएसएस का प्रमुख, ये 4 साल बीत गया तब मंदिर की बात नहीं हुआ, अब चुनाव आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंदिर की तरफ मोड़ रहे दिमाग, यार अच्छा संविधान जो लोग बहुजन समाज मांग कर रहा है ये राम मंदिर की तरफ मोड़ रहे हैं, हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको संविधान चाहिए। मैंने भी तय कर लिया है कि अगर तुमने 25 नवंबर को तुमने अयोध्या की तरफ कूच किया है, तो हमने भी तय कर लिया है कि 23 दिसंबर को भारत के सबसे बड़ा प्रदेश लखनऊ के रमाबाई पार्क में भारत के संविधान को लागू करने के लिए मैंने भी कूच करने के लिए पूरे देश के बहुजन समाज को बहुजन समाज के लोग, आप सभी पिता के बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, अब हमको संगठन सब लोग चलाए, एक दूसरे के भाई के साथ जो मूवमेंट हमारा है वही मूवमेंट आपका है, अब हम सब लोग मिल करके और हम लोग कूच करेंगे, संविधान को लागू कराने की बात करेंगे। कहते कैसे होगा?